नमस्कार दोस्तों, महाराणा प्रताप एग्रो क्लासेस उदयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं बायोलॉजी टीचर आकांक्षा पांचल आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ाएंगी और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेल बायोलॉजी के बारे में कि सेल बायोलॉजी होती क्या है। तो अगर हम लोग देखें सेल बायोलॉजी क्या है, तो सेल बायोलॉजी के हम लोग कोशिका का अध्ययन करते हैं। अब कोशिका के अंदर किस किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है, कोशिका की संरचना व कार्यों का अध्ययन करते हैं, इसे ही हम लोग सेल बायोलॉजी कहते हैं। सेल बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी का मतलब क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका की संरचना व कार्यों का अध्ययन किया जाता है। सेल बायोलॉजी का मतलब यह हुआ कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका की संरचना और कार्यों का अध्ययन किया जाता है। अब नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि सेल होती क्या है, व्हाट इज सेल? सेल जो है जीवन की या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की आधारभूत इकाई है। अब इसे आधारभूत इकाई क्यों बोलेंगे? क्योंकि जिस तरीके से कोई बिल्डिंग बनती है तो बिल्डिंग बनाने के लिए किसका यूज़ करते हैं हम लोग? ईंटों का यूज़ करते हैं। उसी तरीके से जो कोशिका है, हमारा पूरा बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन करने का जो काम करती है वो कौन करती है? कोशिका करती है। इसलिए इसे क्या बोलेंगे? आधारभूत इकाई कहा जाता है। उसके अलावा जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। अब संरचनात्मक का मतलब क्या हो गया कि जो सेल है वो पूरी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसका निर्माण करने का काम करती है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे? संरचनात्मक इकाई। और क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है? क्योंकि बहुत सारे जो सेल है उनको हम दो भागों में बांट देते हैं, एक तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और एक होते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होंगे? जिनका शरीर केवल एक कोशिका से मिलकर बना होता है उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब उनमें क्या होगी? केवल एक कोशिका होगी, तो इनकी जितनी भी कार्य हैं जैसे कि श्वसन हो गया, पोषण हो गया, उत्सर्जन हो गया, वो सब कौन कर रहा है? केवल एक कोशिका कर रही, इसलिए इसको हम लोगों ने क्या बोला? क्रियात्मक इकाई कहा। यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सभी कार्य करती है। कौन करेगा? कोशिका करेगी। तो ये बेसिक चीज है हमारी कि कोशिका क्या होती है, कोशिका के बारे में हम लोगों ने देखा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ सेल, यानी कि कोशिका का इतिहास क्या है, कहाँ से पता चला कि भाई कोशिका क्या होती है, कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी? हिस्ट्री ऑफ सेल, कोशिका का इतिहास। तो कोशिका के इतिहास के बारे में अगर हम लोग बात करें तो अलग अलग साइंटिस्ट आए थे और अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग बात बोली। तो सबसे पहले हम लोग बात करें, पहले वैज्ञानिक है हमारे
रॉबर्ट हुक। इनको रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, कोशिका की जो खोज की थी, कोशिका की जो डिस्कवरी की थी, वो सबसे पहले किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। कोशिका की खोज अब इन्होंने कौन सी कोशिका की खोज की थी, मृत कोशिका की। यानी कि डेड सेल, तो मृत कोशिका की जो खोज की थी वो सबसे पहले किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। तो मृत कोशिका के अंदर भी किसकी, कॉर्क की, कॉर्क के अंदर ही इन्होंने क्या किया था, कोशिका को डिस्कवर किया था। तो क्या था कि जो रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट थे, इनके पास भी खुद का एक माइक्रोस्कोप था, तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इस कॉर्क सेल को छोटी और पतली स्लाइडों में कट किया। उसके बाद में इन्होंने इनको माइक्रोस्कोप पे रखा। तो इन्होंने क्या देखा कि ये जो कोशिका है वो मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई दी। ठीक है, तो जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने कौन सी कोशिका की खोज की थी, मृत कोशिका की, और मृत कोशिका में कौन, कॉर्क सेल की इन्होंने खोज की थी। तो इन्होंने क्या किया था कि कॉर्क सेल थी उसको छोटी छोटी पतली पतली स्लाइडों में कट किया और उसे किसके ऊपर रख दिया, माइक्रोस्कोप के ऊपर रख दिया। अब जैसे इन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो इन्हें मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना दिखाई दी। किस प्रकार की संरचना दिखी है, ये अलग अलग कंपार्टमेंट थे, ये जो बॉक्स दिखाई दे रहे वो इन्हें इस तरीके से अलग अलग कंपार्टमेंट दिखाई दिए और इन्हीं का नाम इन्होंने क्या दिया, सेलुला, जिसे आगे जाकर हम क्या कहते हैं, सेल कहा गया। तो इन्होंने सिर्फ इतनी सी चीज बोली, इन्होंने मृत कोशिका की खोज की और मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना दिखाई दी और इसके अंदर अलग अलग जो ये बॉक्स नजर आ रहे इसको इन्होंने क्या नाम दिया, एक बॉक्स को सेलुला नाम दिया और सेलुला ही आगे जाकर सेल कहा गया। तो ये हो गई हमारे रॉबर्ट हुक की बात। नेक्स्ट हम लोग बात करें दूसरे साइंटिस्ट थे हमारे, एंटीवॉन ल्यूवॉन हुक। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की। जीवित कोशिका की खोज, तो ये क्या करते थे, इनके पास भी इनका एक माइक्रोस्कोप था, तो जैसे कि बारिश आई तो ये क्या करते, पानी की बूंदों को माइक्रोस्कोप में देख लिया। उसके अलावा जो स्पर्म सेल है उनको माइक्रोस्कोप में देख लिया, या फिर जो दांतों के ऊपर जो डिपोजिशन जमा हो जाता है उनको माइक्रोस्कोप में देखा। तो इन्होंने क्या पाया कि इन तीनों के अंदर एक चीज़ कॉमन थी, वो क्या थी कि इनके अंदर मूविंग का जो कैरेक्टर है वो शो हो रहा था, यानी मूवेबल वाला कैरेक्टर जो था वो शो हो रहा था। तो इन्होंने क्या किया, बारिश के पानी की बूंदों के अलावा दांतों में जमाव
मेल, और थर्ड स्पर्म सेल। इन तीनों को माइक्रोस्कोप में देखा तो इन्होंने क्या पाया कि एक कॉमन चीज़ इन्हें नज़र आई, वो था मूविंग का कैरेक्टर, यानी कि इन तीनों के अंदर मूवेबल वाला कैरेक्टर जो था वो उपस्थित था। तो इन्होंने सिर्फ इतनी सी बात बोली एंटन वॉन लिवोनहुक ने कि जीवित कोशिका की जो खोज की थी वो किसने की थी, एंटन वॉन लिवोनहुक ने। अब हम लोग आगे बात करें कि जो सेल थ्योरी है वो क्या है। सेल थ्योरी कोशिका सिद्धांत। अब कोशिका सिद्धांत के अंतर्गत अगर हम लोग देखें तो क्या था कि इसके अंदर भी अलग अलग साइंटिस्ट आए, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग बात बोली। तो सबसे पहले हमारे पास दो साइंटिस्ट थे, एक थे स्लाइडन और दूसरे थे स्वान। जो स्लाइडन थे वो थे बॉटनिस्ट, यानी कि वनस्पति वैज्ञानिक थे, पादपों के ऊपर ये अध्ययन करते थे, और जो स्वान थे वो थे जूलॉजिस्ट, इन्होंने जंतुओं के ऊपर अध्ययन करते थे। तो इन दोनों ने अलग अलग बात बोली। जो सबसे पहले हमारे साइंटिस्ट थे स्लाइडन, उन्होंने क्या कहा कि पादप का जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो विभिन्न प्रकार की सेलों से बनता है, और ये सेल्स आगे जाकर किसका निर्माण करती, ऊतक का निर्माण करती। तो हम लोग बात कर लेते हैं, दो साइंटिस्ट थे, फर्स्ट थे हमारे स्लाइडन और दूसरे थे स्वान। ये बॉटनिस्ट थे और ये जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने अध्ययन किया था 1838 के अंदर और इन्होंने किया था 1839 के अंदर। प्लांट्स पर वर्क किया इन्होंने। तो इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया स्लाइडन ने, इन्होंने क्या बोला, पादपों का शरीर विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जो आगे जाकर चलकर ऊतक का निर्माण करती है। ये स्टेटमेंट एनसीईआरटी का है, तो हमें याद रखना है कि स्वान ने, स्लाइडन ने क्या कहा था कि जो पादपों का शरीर क्या हो गया कि जो प्लांट बॉडी है वो छोटी छोटी सेल्स है, यानी अलग अलग प्रकार की सेल्स है, उनसे मिलकर बनना है, और ये सेल्स आगे चलकर किसका निर्माण करती है, उत्तकों का निर्माण करती है। सेम उसी तरीके से हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट थे स्वान, इन्होंने क्या कहा कि जितने भी जीवित ऑर्गेनिज्म है उनके बाहर एक लेयर पाई जाती है जिसे क्या कहेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहेंगे। जीवित जीवों के बाहर एक आवरण पाया जाता है जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं।
ये स्टेटमेंट था हमारे स्वान का। उसके अलावा जो स्वान थे उन्होंने पादपों के ऊपर भी अध्ययन किया था, माना कि ये जूलॉजिस्ट थे बट इन्होंने प्लांट्स के ऊपर भी स्टडी की थी। तो जैसे इन्होंने प्लांट्स के ऊपर स्टडी की तो इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया प्लांट्स के बारे में, पादपों में बाहर की तरफ एक आवरण पाया जाता है जिसे सेल वॉल कहते हैं, कोशिका भित्ति कहा जाता है। ठीक है, तो इन्होंने सिर्फ इतनी सी बात की, एक स्पेशल कैरेक्टर बताया प्लांट्स के बारे में कि प्लांट्स के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा एक और लेयर पाई जाती है जो सबसे बाहर आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है, उसे क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। लेकिन ये भी एक बात बताने में असफल हुए, क्या इनकी भी कुछ कमियाँ थी, कमी ये इस बात को नहीं बता पाए कि नई कोशिकाओं का जो निर्माण है वो कैसे होता है। नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है इस बात को बताने में ये असफल रहे, इस वजह से एक और नए साइंटिस्ट आए जिन्हें हम लोग बोलेंगे, इन्होंने मॉडर्न सेल थ्योरी दी थी। अगर हमसे पूछे कि सेल थ्योरी के जनक कौन है तो सेल थ्योरी के जनक स्लाइडन और स्वान होंगे, लेकिन अगर पूछा जाए कि मॉडर्न सेल थ्योरी के जनक कौन थे तो वो थे रुडोल्फ विर्चो। नेक्स्ट साइंटिस्ट आए हमारे सेकेंड रुडोल्फ विर्चो, इन्होंने अध्ययन किया था 1855 में इन्होंने बताया। तो इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया, नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से होता है। तो रुडोल्फ विर्चो ने सिर्फ इतनी सी बात कही थी कि नई कोशिकाएं कैसे बनती, जब पुरानी सेल्स के अंदर डिवीजन होगा, दोनों अलग अलग बनेगी तभी नई कोशिकाओं का जो है निर्माण होगा। इसी को इन्होंने क्या कहा, सेलुला ई सेलुला, यानी कि पुरानी कोशिकाओं से ही नई कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है। कैसे, जैसे मान लो ये कोई कोशिका है, जनक कोशिका, या फिर हम लोग कह सकते हैं अंबिबा सेल है, तो इसके अंदर क्या होगा, डिवीजन होगा, उससे क्या हो जाएगी, दो नई सेल्स बन जाएगी। ये हमारी जनक कोशिका है, इससे क्या बन गई, दो पुत्री कोशिकाएं बन गई। यानी कि डॉटर सेल, दोनों सिद्धांत के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, पहला स्लाइडन और स्वान ने दिया और दूसरा रुडोल्फ विर्चो ने दिया। अब हम लोग बात करते हैं सेल की, तो सेल को क्या है, दो भागों में बांटा गया है कोशिका के आधार पर, कोशिका की संख्या के आधार पर।
नेक्स्ट बात करते हैं, कोशिका को संख्या के आधार पर, दो भागों में बांटा गया। पहला है एक कोशिकीय, और दूसरी है बहुकोशिकीय। वो कोशिकाएं जिनका शरीर ओनली एक सेल से मिलकर बना है वो तो हो जाएगी एक कोशिकीय, और वे कोशिकाएं जिनका शरीर अनेक सेल्स से मिलकर बना है वो हो जाएंगे हमारे मल्टी सेलुलर। अगर हम लोग बात करें कि एक कोशिकाओं के एग्जांपल कौन है, इसके अंदर आ जाएंगे हमारे मोनेरा और प्रोटिस्टा। जब प्लांट किंगडम पढ़ा जाएगा तब ये नाम वापस से आएंगे, मोनेरा प्रोटिस्टा, और इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। मोनेरा जो है वो एक कोशिकीय होते हैं और कौन से होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं, और दूसरे हैं हमारे प्रोटिस्टा, वो भी एक कोशिकीय होते हैं लेकिन यूकैरियोटिक होते हैं। तो ये याद रखना है, ये होते हैं प्रोकैरियोटिक और ये होते हैं यूकैरियोटिक, बट दोनों क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, सेल को दो भागों में बांटा गया है, एक तो होती है हमारी प्रोकैरियोटिक सेल्स और दूसरी होती है यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक सेल, अब इसी नाम के अंदर ही इनका जो है कैरेक्टर छिपा हुआ है। प्रो का मतलब होता है प्रीमिटिव यानी कि आदिम, और कैरियोट कैरियोन से लिया गया है, इसका मतलब होता है न्यूक्लियस या केंद्रक। तो वे कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक के अंदर क्या होगा, वे कोशिकाएं जिनके अंदर सुविकसित केंद्रक उपस्थित होते हैं उन्हें क्या कहेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल्स कहेंगे। और यूकैरियोटिक के अंदर यू का मतलब होता है ट्रू यानी कि सत्य, और यही कैरियन से लिया गया वर्ड है, इसका मतलब होता है न्यूक्लियस। तो इन दोनों के अंदर क्या चीज़ आ जाएगी, जिनमें सुविकसित केंद्रक अनुपस्थित होता है वो तो हो जाएंगे हमारे प्रोकैरियोटिक, और जिनके अंदर सुविकसित केंद्रक उपस्थित होता है वो हो जाएंगे यूकैरियोटिक। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन जो है वो अनुपस्थित होता है, और इनके अंदर हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित होता है। वैसे तो अगर हम लोग थोड़ा अपर लेवल में देखें तो कोशिकाओं को तीन भागों में बांटा गया है, प्रोकैरियोटिक, मेसोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो तीनों के अंदर डिफरेंस ये होगा, प्रोकैरियोटिक के अंदर क्या हो जाएगा कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और हिस्टोन प्रोटीन दोनों अनुपस्थित होंगे। मेसोकैरियोट के अंदर क्या होगा,
कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट होगी लेकिन हिस्टोन प्रोटीन जो होगा वो अनुपस्थित होगा, और यूकैरियोटिक के अंदर क्या होगा, हिस्टोन प्रोटीन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट होगी। अगर हम लोग इनके एग्जाम्पल की बात करें, इसके अंदर आ जाएंगे मोनेरा, और इनके अंदर आ जाएंगे प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया सेल की जो जनरल कैरेक्टर्स है इसके बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती है, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं और उनकी स्टडी करेंगे। धन्यवाद।